पहले ही नवरात्रे पे देवी अहिल्या के दुर्गा रूप के हुए दर्शन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंगरी स्पिरिट्स में। हंगरी स्पिरिट्स देख रहे हैं सारे दर्शकों का मैं अंजु शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। सबसे पहले आप सबको हमारे दर्शकों को नवरात्रों की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सबके ऊपर देवी का आशीर्वाद बना रहे। तो दोस्तों, सीरियल पुण्य श्लोक अहिल्या बाई में जिसमें हमने देखा इस कड़ी में कि कैसे देवी अहिल्या राक्षस ईश्वरी सिंह को अपने कोड़े से मारती हैं, और ये वही रूप है दुर्गा का, दुर्गा माता का, दुर्गा देवी का, जिसमें उन्होंने राक्षसों का संहार किया था। तो ये तो होना ही था, क्योंकि हम सब ये मान के चलते हैं कि जो स्त्री शक्ति है उसमें दुर्गा का हर रूप है। तो देवी के इस रूप को हम नमन करते हैं और आज इस वीडियो में इसी बात को आगे बढ़ाते हैं। मगर पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो माले राव चाहे कितना भी नाराज हो अपनी आई से, कितने भी उसके मन में नफरत हो, मगर आई के मन में प्यार ही प्यार है। वो उस दुश्मन को नहीं छोड़ सकती है जिसने उसके बच्चे को थोड़ी सी भी तकलीफ दी है, और ईश्वरी सिंह ने तो बहुत सारी तकलीफ दी है। इसलिए जब ईश्वरी सिंह को अपने दबोच में लेती है, यानी कि उनको पकड़ लेती है देवी अहिल्या, बांधा हुआ है जहां पे खंडेराव को बांधा हुआ था, तो वो अपने आप को रोक नहीं पाती है। जैसा कि उन्होंने कसम खाई थी शिव शंभू की कि मैं शिव शंभू की कसम खा के कहती हूँ कि छोड़ूंगी नहीं ईश्वरी सिंह को, और वही उन्होंने किया। ईश्वरी सिंह को इतना मारा कि खुद ईश्वरी सिंह भी त्राही माम करने लग गया। खंडेराव ने भी कहा नहीं अहिल्या बस करो। तो ये जो खंडेराव का कहना है, खंडेराव वो है जिनका अपने गुस्से पे काबू नहीं है। उन्होंने पहले कई बार ऐसा गुस्सा दिखाया है कि जिससे आगे की इंफॉर्मेशन मिलनी थी उसी को मार दिया, क्योंकि काबू नहीं है वहां पे। वो भी अपने गुस्से पे काबू कर गए, मगर देवी अहिल्या ने दुर्गा का रूप धारण किया हुआ था। उन्होंने ईश्वर सिंह पे वार किया, उनकी गर्दन तक उड़ाने वाली थी, इतना उनके मन में रोष था ईश्वरी सिंह के लिए। क्योंकि एक एक पल उनको याद आ रहा था कि कैसे मैंने अपने बच्चे को सोचा है। अपने बच्चे की मौत को सोचना एक आई के लिए बहुत मुश्किल घड़ी होती है, और वो घड़ी देवी अहिल्या ने निकाली है, और उसी घड़ी को याद करके उनके मन में क्रोध आ रहा था, और इस राक्षस को अभी का भी खत्म कर दो, ऐसे थॉट्स उनको लेके उनकी तरफ जा रहे थे। तो जब खंडेराव ने मना किया तो देवी अहिल्या रुक गई, क्योंकि आखिरकार इंसाफ करना भी तो राजा और रानी का धर्म है, और उसी को देखते हुए उन्होंने अपना हाथ रोका। मगर जो हाथ चला उनका, उसके बारे में अगर हम बात नहीं करें तो क्या मतलब। बात करना तो बनता ही था दोस्तों, क्योंकि आज शुरुआत ही ऐसी हुई है, आज दिन ही ऐसा है, और इस दिन में हमें देवी अहिल्या का ये रूप दिख जाए तो इसके बारे में बात करना ही बनता है। आप बताइए आपको क्या लगा, क्या आप मेरी इस वीडियो से सहमत हैं? कमेंट करके बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंगरी स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब टू आवर चैनल बाय क्लिकिंग द सब्सक्राइब बटन, क्लिक द बेल बटन एंड एंजॉय द लेटेस्ट अपलोड्स फ्रॉम आवर चैनल।